दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर दशाश्वमेध घाट के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और अभी मैं हूँ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ऊपर ही चढ़ने पर आपका है श्री माँ गंगा मंदिर। और यह जो रास्ता दिखाया, तो ये सीधे आपका चला जाएगा गोदौलिया के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दशाश्वमेध घाट से आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक के नज़ारे। तो दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आपको चलते हैं। तो कॉरिडोर जाने के लिए आपको दशाश्वमेध घाट से सीधे, यानी कि अगर आप गोदौलिया से आ रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको बाएं साइड में सीधे आपको चलना होगा, जो कि जैसा कि मैं चल रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे ही बढ़ने पर ये जो देख रहे हैं, ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर बना सीवेज पंपिंग स्टेशन, जो कि यहाँ से देखा जाए तो ये एरिया आ जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट का। और आगे ही बढ़ने पर जो कि ये देख रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीधे आपका राजेंद्र प्रसाद घाट होते हुए, सब्जी मार्केट होते हुए, जो कि आप गोदौलिया के लिए चले जाएंगे। देखिए, वहाँ पर भी एक LED स्क्रीन लगा हुआ है। बगल में है आपका मान मंदिर घाट, जिसे मान महल घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं मान मंदिर घाट से आगे। आगे ही बढ़ने पर आपका मान मंदिर घाट से सटा हुआ है डॉल्फिन रेस्टोरेंट, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है डॉल्फिन रेस्टोरेंट। देखिए सामने जो है, ये आपका अर्पण कलश है, यानी कि जो आपका फूल माला है, नारियल जो होता है, जो गंगा नदी में न फेंक कर आप इसमें अपना डाल सकते हैं। और देखिए, मार मंदिर घाट से हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं वाराही घाट, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। और आगे ही बढ़ने पर, यानी वाराही घाट से जब आगे बढ़ेंगे, तो आपका आएगा त्रिपुर भैरवी घाट। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो एरिया है, ये है आपका त्रिपुर भैरवी घाट। और त्रिपुर भैरवी घाट से ही सटा हुआ है आपका मीर घाट। और मीर घाट से ही आगे बढ़ने पर आपका आ जाता है ललिता घाट। और ललिता घाट से ही सटा हुआ है आपका जलासेन घाट। और जलासेन घाट के ही ऊपर आपका बना हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये देख रहे हैं, ये है मीर घाट का नज़ारा कुछ इस प्रकार। यहाँ से भी बहुत से आते हैं आपके दर्शनार्थी स्नान करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये जो रास्ता है, ये भी आपका गली के माध्यम से होते हुए, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चला जाएगा। ये देख रहे हैं, जैसे ही आप मीर घाट पर आएंगे तो सामने आपको दिख जाएगा जलासेन घाट पर बना हुआ सीवेज पंपिंग स्टेशन। ये देख रहे हैं दोस्तों नज़ारा। और दोस्तों, कोशिश की जाए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि, यानी आप देखे होंगे रेसिपी का चैनल जो है, रेसिपी आप देखते होंगे, तो उससे ज़्यादा
हालांकि उसमें भी मेहनत लगता है, वहाँ पर आपको देखेंगे तो रेसिपी बनाने के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता है, जो आप घर में अपना डेली जो बना रही हैं वही बना के सब लोग दिखा देता है। और ब्लॉग बनाने में क्या होता है कि देखिए, मैं अपने घर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर या फिर पैदल आऊँगा या फिर साइकिल से या फिर अपना मोटरसाइकिल से। तो दोस्तों इसलिए कोशिश की है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में। और धीरे धीरे देखा जाए तो अपना गर्मी भी शुरू हो चुका है। ये देख रहे हैं बहुत से हैं श्रद्धालु लोग यहाँ अपना काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हुए, जो कि घाट के माध्यम से होते हुए जो कि अपने जहाँ से आए होंगे वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग मीर घाट से अब पहुँच चुके हैं आपका ललिता घाट। ललिता घाट पर ही आपका है पशुपतिनाथ मंदिर। जाने का प्रवेश द्वार देखिए एक यहाँ से भी है, ऊपर जो देख रहे होंगे गेट ऊपर जा सकते हैं, और आगे से भी एक रास्ता बना हुआ है। पहले देखिए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यानी गेट ऑफ कॉरिडोर का जब आपका प्रवेश द्वार नहीं खुला हुआ था तो यहीं पर आपका प्रवेश वर्जित किया गया था लगभग 2 सालों से। ये देखिए यहाँ पर भी कार काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है। यानी कि देखा है तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वहाँ पर जो एरिया देखिए बना हुआ है वहाँ पर स्नान करने के लिए दर्शनार्थियों के लिए बना हुआ है, स्नान करने के लिए और गंगा जल वहाँ से लेने के लिए। और पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए देखिए सामने जो एक प्रवेश द्वार देख रहे हैं वो भी होते हुए आपका ऊपर चला जाएगा। ये देख रहे हैं पूरा एकदम जो नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है पूरा सेम उसी का डुप्लीकेट बना हुआ है। और इसमें देखिए कॉरिडोर का कार काफ़ी तेजी गति से चल रहा है। यह जो कार है ये आपका फेज 2 का कार है। ये देख रहे हैं जब से आपका गेटवे आप कॉरिडोर खुल चुका है तो देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका दुकान है, ये भी आपका खुल चुका है। और इस साइड आप देखे होंगे जो कि कार काफ़ी तेजी गति से चल रहा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे गेट ऑफ कॉरिडोर, उसी के अंदर से आप होते हुए सीधे आप काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चले जाएँगे। हालाँकि देखा जाए तो वहाँ कुछ भाग है जहाँ तक आपका मोबाइल अलाउ है, और उसके बाद वहाँ पर एक आपका निःशुल्क लॉकर सुविधा बना हुआ है। ये देखिए इस साइड आपका सीमेंट भरने का कार्य चल रहा है पत्थरों के बीच में। और ये जो कच्चा रास्ता आप जो देख रहे हैं ये सीधे आपका मणिकर्णिका घाट के लिए चला जाएगा। हालांकि कार्य काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है, आने वाले समय में ये भी आपका जो रास्ता है पक्का बन जाएगा। तो दोस्तों यह था नज़ारा दशाश्वमेध घाट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक के। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।